दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह एक बेहद अहम सवाल के साथ आपका NCTV पर स्वागत करता हूं। वो अहम सवाल जुड़ा है विभीषण की चुनरी में लगे दाग से। रामायण काल में विभीषण की चुनरी में विश्वासघात का जो दाग लगा वो आज तक नहीं धुल पाया। जिस किसी ने कहीं किसी से विश्वासघात किया लोग तुरंत विभीषण को याद करने लगते हैं। मेरा सवाल विभीषण के इसी गुणधर्म से जुड़ा हुआ है। क्या माफी मांगने से विभीषण की चुनरी में लगा विश्वासघात का दाग धुल सकता है? दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं साफ कर दूं कि सिंधिया जी को विभीषण की उपाधि देने का महान कार्य मैंने नहीं किया है, खुद उनके नए पाले के एक बड़े पहलवान शिवराज सिंह चौहान ने ये पुण्य कर्म किए हैं। जब सिंधिया जी कांग्रेस से विश्वासघात करके बीजेपी में शामिल हुए थे तो शिवराज जी ने उन्हें विभीषण की उपाधि देते हुए उनका स्वागत किया था, विभीषण कहकर उन्हें सम्मानित भी किया था। माननीय मोदी जी भी सिंधिया जी को कोमल काया और नाजुक मिजाज का खास ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सिंधिया जी को उस विमान मंत्रालय का प्रभार दिया है जिसके पास अपना एक भी विमान नहीं है। जाहिर है बीजेपी महाराजा के मान सम्मान और सुख सुविधा का पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन इसके बावजूद सिंधिया साहब दुखी हैं। इतने दुखी कि पहले तो उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया, फिर भरी सभा में जनता जनार्दन से माफी मांगने लगे। सिंधिया साहब की इस मार्मिक माफी की अपील पर पब्लिक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। किसी पशु पक्षी तक ने सिर नहीं हिलाया, सब आराम से पहले की तरह पागुर करते रहे। पागुर समझते हैं आप, बड़े जानवर खाना खाते वक्त एक ही बार में चारे का जो बड़ा हिस्सा होता है उसे सीधे निकल लेते हैं, बाद में उसे वो धीरे धीरे चुभलाते रहते हैं। देशी जो भाषा है उसमें उसे पागुर कहा जाता है। सिंधिया जी काफी समय तक पागुर करते रहे। कांग्रेस से विश्वासघात के एवज में मोदी जी ने उन्हें बड़ा सा मालपुआ थमाया था। सिंधिया जी लंबे समय तक उसे चुभलाते रहे, लेकिन अब चुनावी मौसम में उन्हें मीठे मालपुआ में तीखी मिर्ची का स्वाद मिल रहा है। कर्नाटक में कमल कुमला चुका है और बीजेपी का बड़ा से बड़ा समर्थक भी कह रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश से मामा तो गयो। हिमाचल और कर्नाटक की करारी हार के बाद मध्य प्रदेश से मामा की संभावित विदाई को मोदी जी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि जब डबल इंजन की सरकार पॉलिटिक्स की पटरी से उतर जाएगी तो अपने विभीषण महाराज का क्या होगा? क्या वो फिर से विश्वासघात की नई पटकथा लिखकर घर वापसी की कोशिश करेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इस सवाल का विभीषण को की चुनरी से लगे विश्वासघात के दाग से जोड़कर देख रहे हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। दोस्तों लगा चुनरी में दाग गाने की कभी बंद अंधेरे कमरे में अकेले सुनिएगा। मन्ना डे और साहिर लुधवानी साहब की युगल जोड़ी ने इस गीत में जिंदगी के फलसफे को जिस अंदाज में पिरोया है वो आपको दर्शन और अध्यात्म की उस दुनिया में ले जाएगा जहां सवाल ही जवाब है और जवाब में ही सवाल समाहित है। हो गई मैली मोरी चुनरिया, मैल हमाया जाल, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। नमस्कार।